पूजा खत्म होने के बाद अब हम लोग ये फ्लोटिंग वाली कैंडल्स जला रहे हैं और मैं दिए लेके बाहर अपनी रंगोली में रखने जा रही हूँ। तो अब आप आगे पूजन हो चुका है, अब आप देखेंगे दिए वगैरह के लिए, और पटाखे का मैं अलग से एक ब्लॉग बनाऊँगी तो वो वाला आप ज़रूर देखिएगा। और इस ब्लॉग को आप ऐसे ही प्यार दीजिएगा। अब मैं हर जगह ना दिए रखूँगी, पूरे घर में रखे जाते हैं एज़ यू नो। तो चलिए रखते हैं आप लोगों के साथ दिवाली सेलिब्रेट की। ये ब्लॉग बहुत लेट आएगा तो उसके लिए सॉरी। ये हो रही है लॉकर की पूजा। अच्छा, लॉकर की पूजा क्या होती है बताओगे? यहाँ पे लॉकर की पूजा क्या होती है? लॉकर क्या होता है? पैसे रखे जाते हैं। पैसे रखे जाते हैं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मतलब मेरे यहाँ ये नहीं होती है, मेरे यहाँ मतलब वैसे पैसे रख के हो जाती है। तुम्हारे मतलब पैसे पूजा हो जाती है? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारे यहाँ लॉकर की पूजा होती है। फिर आप एक पर्स है उसमें आप इच्छा अनुसार पैसे रख सकते हो। वो पैसे हम लोग छूते नहीं है, उसका सिर्फ पूजा नहीं करते हैं, पर दिवाली में ही रख कर। तो होप आप सबके यहाँ भी होता हो या अलग तरीके से होता हो, सबके यहाँ अलग अलग नियम होते हैं। तो मेरे यहाँ इस तरह से पूजा होती है लॉकर की। और दिवाली की पूजा आप लोग देख चुके हो। अब रही पटाखों की बात, तो छोटी दीपावली में आपने देखे थे पटाखे, अब हम लोग पटाखों का एक अलग सा वीडियो बनाएंगे और वो मैं बहुत जल्दी ही व्लॉग दूंगी पटाखों वाला। तो होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे और मेरे सारे वीडियोस को एंजॉय करते होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और एज़ यू नो मैं हमेशा बोलती हूँ कि शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो करिएगा। ये सब पूजन का ही एक पार्ट है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग पे, तो मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।